आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। मैं जैसे अगला वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप ये वीडियो देख पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरके मलिक। मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, अगर आप किसी शॉप का या आपका कुछ शोरूम का अगर आपका इनॉग्रेशन कार्ड अगर आप बनवाना चाहते हैं तो ये डिज़ाइन आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं जो एक कार्ड बनाया हूँ, पूरा रेडी किया हूँ, मैं ज्वेलरी शॉप के लिए, ओपनिंग शॉप के लिए किया था। लेकिन आप चाहें तो मैं PHD फाइल आपको शेयर कर दूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा आपको, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और ये एडिटेबल रहेगा आपके लिए, और आप चाहें तो इसको आप काम कर सकते हैं। तो मैं इसी कार्ड को दोबारा नहीं बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या क्या यूज़ किया हूँ इसके बारे में बताएंगे। अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल क्रिएटर रतिकांत को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका ये जो कार्ड है, मैं इसको प्रिंटिंग किया था कलर जेरस में, और इसका जो एनवलप है मैं आपको दिखाऊँगा थोड़ा। मैं किया था इसको L805, जो मेरा प्रिंटर है, आप सब जानते हैं, मेरा PVC कार्ड का एक वीडियो है जो 3.5 लाख का व्यू हो गया है आपके दुआ से, आपके आशीर्वाद से। जो अभी जो वीडियो बनाना जा रहा हूँ, जो एनवलप कैसे प्रिंटिंग किए हैं, मैं बाद में एक सेटिंग कैसे किए हैं बताऊँगा, लेकिन आज मैं इसको देखाऊँगा कि मैंने जो कार्ड में प्रिंटिंग किया था आपका जो कलर जेरस में, और एनवलप मैंने किया था, थोड़ा लो बजट का कार्ड था इसलिए मैं एनवलप किया था इंकजेट प्रिंटर में L805 में। तो मैं भी इसका जो वीडियो बनाया था आपको दिखाऊंगा कैसे प्रिंटिंग निकलता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए हमारा जो कार्ड है अभी आया नहीं है, फोटोशॉप CS3 में यूज़ कर रहा हूँ। आप जब भी फोटोशॉप यूज़ करिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए आप फोटोशॉप 7 यूज़ कर रहे हैं, CS3, CS5, CC जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा आपके लिए। देखिए ये जो कार्ड बना था, ये पूरा PHD फाइल है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा। यहाँ देखिए ये जो पूरा का पूरा PHD का डिज़ाइन है, इसमें आप चाहें तो मान लीजिए ये जो आपका लोगो है, दुर्गा माँ का जो लोगो है, आप चेंज कर सकते हैं। देखिए पूरा PHD है, और आप चाहें तो ये जो बैकग्राउंड है इसको भी आप हटा सकते हैं, ये भी PHD फाइल पूरा लेयर फाइल है, ठीक है। आप चाहें तो इसको हटा के भी आप काम कर सकते हैं। अगर मैं इसको अप कर दूं लेयर में, देखिए ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कम्बिनेशन अच्छा रहने से अच्छा रहेगा। देखिए ये जो कम्बिनेशन है, मैं इसको थोड़ा नीचे ला रहा हूँ, देखिए पूरा का पूरा ये कम्बिनेशन है, ये PNG मेरे पास है, मैं इसलिए इसको यूज़ किया हूँ। आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और इसका जो ज्वेलरी का शॉप, मैं ग्रेडियंट यूज़ किया हूँ, रेड और ब्लैक का ग्रेडियंट यूज़ किया हूँ, आप मैं दिखा रहा हूँ कैसे क्या यूज़ किया हूँ। आप चाहें तो मैं एक्चुअल बैकग्राउंड के हिसाब से यूज़ किया हूँ, लेकिन आप चाहें तो ब्लैक रेड में किया हूँ, आप चाहें तो दूसरा कुछ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो दिखेगा अच्छा दिखेगा इसे आप कर सकते हैं। और जो एड्रेस है, मैंने पूरा का पूरा ब्लैक, जो मैं येलो और ब्लैक का कम्बिनेशन एक्चुअली कार्ड में लिया हूँ। क्यों लिया हूँ येलो कलर, क्योंकि जो ज्वेलरी, ये भी ज्वेलरी देखिए, ये भी आपका PNG फाइल है, PHD में आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो कुछ दूसरे शोरूम का आप कर रहे हैं ओपनिंग सेरेमनी कार्ड, इसका आप हटा सकते हैं, ये ज्वेलरी हटा सकते हैं और कुछ दूसरा लोगो आप लगा सकते हैं। तो ये था तो एड्रेस, ये हो गया एड्रेस, ये फ़ोन नंबर, मैंने इसको कार्ड दिया हूँ, फ़ोन नंबर मैं दिखाना नहीं चाहता था। इसके बाद देखिए हम जो कार्ड में ओम श्री श्री गणेशाय नमः, आप चाहें तो यहाँ कुछ दूसरा भी लिख सकते हैं। और डियर सर मैडम, ये आपका हो गया रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन द स्पेशियस ओकेजन ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी। ये जो ओपनिंग सेरेमनी है ये हाईलाइट होना चाहिए, क्यों आप क्या कर रहे हैं कार्ड में, किस लिए आप बुला रहे हैं, ये हाईलाइट होना चाहिए। ऑफर अश्री ज्वेलरी ऑन 8th मे, मैं हाल में ये कार्ड बनाया था, 8th मे का उनका ओपनिंग था, और 4 PM to 10 PM तक का आप टाइम जो भी दे सकते हैं आपका जो भी होगा, और उनका नाम और डेजिग्नेशन आप लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए नीचे देखिए, ये भी आपका ज्वेलरी का एक PNG मैंने यहाँ यूज़ किया हूँ। यहाँ देखिए जितना मैं दिखाना चाहता हूँ इतना ही रखिए, ज़्यादा दिखाइए, आप चाहें तो इसको हटा के दूसरा कुछ अभी लगा सकते हैं।
ज्वेलरी का PNG PhD मेरे पास बहुत सारा है, अगर आप चाहें तो आप अगर कमेंट करेंगे मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। लेकिन ये जो इंक है कार्ड जो इसका लिंक मैं आपका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके डायरेक्ट लिंक डाउनलोड कर सकते हैं और आप ये कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये जो मॉडल है ज्वेलरी मॉडल, ये भी PNG का फाइल है। आप चाहें तो दूसरा मॉडल भी ले सकते हैं। अगर आपको ये मॉडल का PNG फाइल चाहिए तो ये भी मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्री में मिल जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो आप अगर मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको PNG फाइल भी शेयर कर दूंगा। लेकिन ये जो PNG फाइल है यहाँ पर आपको फ्री में मिल जाएगा, और बहुत सारा जो फाइलियाँ हैं मेरे पास आपको। देखिए यहाँ मैंने क्या किया था, यहाँ एक ज्वेलरी मैंने दिए थे, मैं यहाँ होगा, यहाँ देखिए यहाँ दिए थे, ये वाला मैं थोड़ा इसको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ आपको। देखिए ये दिया था लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं इसको बंद कर दिया हूँ, कम कर दिया इसका रिजोल्यूशन और यहाँ ऑफ कर दिया हूँ। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है ब्लैक और येलो और मैरून का जो कॉम्बिनेशन है अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं यहाँ ऑफ कर दिया हूँ इसलिए मैं दिया नहीं हूँ। आप देख रहे होंगे कि अगर इसको हम दे देते तो ये कैसे लुक आता है, और अगर हम नहीं देंगे तो कैसे लुक आएगा। आप देख सकते हैं इसको अगर हम देंगे तो ये लुक अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। देखिए ये इतना अच्छा नहीं लगता है, इस नहीं लगता है, लेकिन इसलिए मैं इसको ऑफ कर दिया हूँ। और ये जो कार्ड का साइज़ है मैं आपको दिखाऊंगा, ये कार्ड 7x5 कार्ड साइज़ है। अगर मैं कार्ड कैसे इमेज साइज़ में जाऊंगा, अल्टर डबल आई, मतलब आई को अल्टर प्रेस करते हुए आई अगर दोबारा प्रेस कर देंगे तो ये साइज आ जाएगा इमेज साइज़। और यहाँ जो साइज़ है 12.7 cm से 17.78 cm है, अगर इसको हम इंच में कन्वर्ट करेंगे तो 7x5 साइज़ है, ये जो हम बोलते हैं 7x5 साइज़ है। और इसका PhD फाइल आपको फ्री में मिलेगा, ठीक है। वही हो गया। और देखिए बैकग्राउंड में एक ज्वेलरी का लोगो दिया हूँ, और ये मैं कितना परसेंट किया हूँ, 10% किया हूँ, ज़्यादा मत करिएगा। क्यों, ज़्यादा करने से क्या होगा, ये जो लिखा हुआ है ये हाईलाइट नहीं होगा, लेकिन हमारा ये जो लिखावट जो हमने लिखे हैं, जो इन्वाइट किए हैं, तो इसको ये तो हाईलाइट होना चाहिए, लेकिन इसलिए मैं इसको 10% कर दिया हूँ। आप चाहें तो लेटर के हिसाब से, अगर कलर लेटर आपका कुछ दूसरा होगा तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर हम इसको 20% करेंगे तो थोड़ा देखिए ये जो डल हो रहा है, ये जो मेन मैटर है डल हो रहा है, लेकिन आप कोशिश करिएगा ये हाईलाइट होना चाहिए। अगर इसको डीप करके, मान लीजिए जो बैकग्राउंड जो है यहाँ जो है इसका अगर 30% भी कर देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, आउटर ग्लो देना पड़ेगा या स्ट्रोक देना पड़ेगा जो अच्छा नहीं लगता है कार्ड में। तो मैं 10% किया हूँ, देखिए 10% करने से, सॉरी ये जो ज्वेलरी को मैंने 10% किया था। अगर कीबोर्ड में अगर वन प्रेस करेंगे, देखिए मैं वन प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ 10% हो रहा है। अगर मैं टू प्रेस करूँगा, देखिए यहाँ थोड़ा डीप हो रहा है, यहाँ 20 हो गया है। मैं अगर थ्री प्रेस करूँगा यहाँ 30% हो गया है, और ये और थोड़ा डीप हो गया है, मैं करता हूँ 1%। अगर आप 9% करेंगे तो 9 दबाना पड़ेगा और आपका 9% हो जाएगा। ओवरऑल ये जो कार्ड है मुझे तो अच्छा लग रहा है, मैं इसको खुद बनाया हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कैसे लग रहा है, तो अगर कमेंट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। ये हो गया कार्ड का। और मैं एनवलप का आपको दिखाऊंगा, इसको हम नो करते हैं क्योंकि हमने इसको नो करके हैं, क्यों, हम तो ओरिजिनल फाइल चाहिए। इसके बाद हम करेंगे आपका एनवलप, एनवलप का थोड़ा दिखाएंगे आपको कैसे हमने सेटअप किए हैं और कैसे हम L805 प्रिंटर में इसको निकाले हैं, हम आपको दिखाएंगे। ये वाला एनवलप, इसका भी मैं PhD लिंक आपको दे दूंगा। आप चाहें तो चेंज करके, नेम और एड्रेस चेंज करके, फ़ोन नंबर चेंज करके, लोगो चेंज करके आपको काम कर सकते हैं। देखिए मैं ये दुर्गा माँ का लोगो लिया हूँ, पहले जो था मेरे कार्ड में, और ओपनिंग सेरेमनी में लिखा हूँ, और मैं थोड़ा आपको जूम करता हूँ, और मैंने टाइम भी लिखा हूँ 8 मई 2022 सैटरडे फ्रॉम 4 PM टू 10 PM, और टू लिखा हूँ, और नीचे राजश्री ज्वेलरी और इसका एड्रेस और इसका फ़ोन नंबर में इसमें लिखा हूँ। आप ये जो कार्ड है आप इसको, मैं A4 शीट में, देखिए पूरा लेयर है, अगर आप चाहें तो इसको आप चेंज करके आप कार्ड भी प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, अगर ये वीडियो ये डिज़ाइन आपका अच्छा लगा है और कुछ भी आपको प्रॉब्लम होता है, मान लीजिए आपका
इंकजेट प्रिंटर में प्रिंटिंग निकलने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है या डिजाइन में कुछ भी आपको प्रॉब्लम होता है अगर मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और ये जो आपका एनवलप का अगर आप कैसे अगर प्रिंटिंग नहीं हो रहा है मान लीजिए आप एनवलप प्रिंटिंग कर रहे हैं तो कैसे सेटअप करेंगे दूसरा वीडियो में आपको बताऊंगा। मतलब L805 किसी भी इंकजेट प्रिंटर का अगर आप एनवलप निकलना चाहते हैं तो आप कैसे इसका सेटअप करेंगे क्या करेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। आपको इजी हो जाएगा आपको कार्ड कैसे प्रिंटिंग करेंगे। कभी कभी क्या होता है जब हम लो बजट में काम करते हैं तो अगर हम इन सॉरी डिजिटल प्रिंटर में कलर जेरस में अगर एनवलप प्रिंटिंग करेंगे तो हमें ज़्यादा कॉस्टिंग आ जाता है तो हम इंकजेट प्रिंटर में इसको कर देते हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा या डिज़ाइन आपका अच्छा लगा मुझे कमेंट करिएगा। आपको PHD फाइल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक मिल जाएगा आप वहाँ जाके आप डाउनलोड करके आप डिज़ाइन कर सकते हैं। इसको फाइल भी आप चेक कर सकते हैं चेंज सॉरी फाइल का साइज जो भी है आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय जगन्नाथ। जय हिंद।